Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English Reader by Brain Root series. And this is book 6. The name of your book is Literary Journeys. And today we are going to start with chapter number 1. And the name of the chapter is How the Little Kite Learned to Fly. So let's start the poem. This is a poem. I never can do it, the little kite said. तो little kite ने क्या कहा? I never can do it. As he looked at the others high over his head. तो जब उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर बहुत सारे kites उड़ रहे हैं, तो जो छोटा सा little kite था, जिसने अभी अभी उड़ना सीखा था, उसने क्या बोला? आई नेवर कैन डू इट, मैं बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता. आई नो द आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई. तो अब लिटिल काइट ने क्या बोला? मुझे पता है कि अगर मैंने उड़ना शुरू किया तो मैं गिर जाऊंगा. ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई. तो अब वहां पे एक बिग काइट आया, उसने क्या बोला कि तुम्हें क्या करना है? डरना नहीं है, सिर्फ तुम्हें ट्राई करना है. ट्राई और सिर्फ ट्राई करो. तुम इस बात से बिल्कुल मत डरो कि तुम गिरोगे या फिर उड़ोगे, इस टेंशन को छोड़ दो. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. तो बिग काइट ने फिर से क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. तो लिटिल काइट ने क्या बोला? मैं तो बहुत डर रहा हूँ. अफ्रेड मीन्स डर रहा हूँ, मैं गिर जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं उड़ पाऊंगा. द बिग काइट नॉडेड. अब बिग काइट ने क्या किया? अपना उसने सिर हिलाया. आ वेल गुड बाय. तो बिग काइट ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, उसे समझा दिया स्मॉल काइट को कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, उड़ने की कोशिश करो, इस बात से मत डरो कि तुम गिर जाओगे. लेकिन फिर भी जो लिटिल काइट था वो डर रहा था, उसने बोला नहीं नहीं मैं तो गिर सकता हूँ. अब बिग काइट ने क्या कहा? ओके तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हें नहीं उड़ना तो कोई बात नहीं, मैं तो उड़ने जा रहा हूँ, गुड बाय, चलो बाद में मिलते हैं. आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंकल स्काई. अब वो क्या हुआ, जो बिग काइट था इतना बोलने के बाद उसने गुड बाय जब किया स्मॉल काइट को, लिटिल काइट को, वो उड़ गया. कहाँ? उस नीले बड़े से आसमान में उड़ता चला गया, ऊपर उठ गया. Then the little kite's paper stood at the side. ये देख के वो जो छोटा सा काइट था, जो लिटिल काइट था, उसका जो पेपर था वो हवा में हिलने लगा. ये देख के कि अरे वो तो बिल्कुल नहीं डरा, बिग काइट तो बिल्कुल नहीं डरा, और वो कितनी तेजी से ऊपर की तरफ चला गया. मैं क्यों डर रहा हूँ? And trembling, he shook himself free for flight. और डरते डरते, trembling means डरते डरते, वो जो है अपने आप को उसने shook किया, अपनी body को move किया, और वो उड़ता हुआ कहाँ चला गया? आसमान की तरफ वो भी उड़ चला. And the poet is Catherine Pyle. So this was your poem, children. I hope you enjoyed it. And आपने कुछ बहुत अच्छा इसमें से learn किया होगा. That we should not get frightened of a situation. किसी भी situation से हमें नहीं डरना चाहिए. Next here you can see some word meanings are given. Let's read them. First is nodded means shook head, अपने सिर को हिलाना. Next is stirred means to move slightly and lightly. So बहुत धीरे धीरे move करना, हल्का हल्का move करना. नेक्स्ट इज ट्रैंकल मीन्स काम एंड पीसफुल. बहुत ही बड़ा पीसफुल जो स्काई था वहाँ पे वो उड़ता हुआ चला गया. नेक्स्ट इज ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग विथ फियर.
मीन्स डर के कारण कांपना, इसे हम कहते हैं ट्रेम्बलिंग. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. हियर द फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स मूव ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द लिटिल काइट थॉट इट कुड नॉट रन, फ्लाई, स्विम और नन ऑफ दीज. क्या लगता है आपको, लिटिल काइट जो था वो क्या सोच रहा था? यस, इट थॉट दैट इट कैन नॉट फ्लाई. नाउ द सेकेंड वन इज द बिग काइट टोल्ड द स्मॉल काइट टू. जो बिग काइट था उसने स्मॉल काइट से क्या बोला? ट्राई, नो, थिंक और नन ऑफ दीज. तो क्या बोला बिग काइट ने? उसने बोला यू शुड ट्राई. नाउ द थर्ड वन इज द बिग काइट रोज टूवर्ड्स द. अब जो बिग काइट था वो कहाँ चला गया? लिटिल स्काई, छोटे से स्काई की तरफ. ट्रैंक्विल स्काई मीन्स बहुत ही ज़्यादा शांत पीसफुल स्काई की तरफ. ट्रेम्बलिंग मीन्स डरे हुए स्काई की तरफ, या नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रैंक्विल स्काई. नाउ बी पार्ट इज राइट ऑल क्वालिटीज. व्हाट ऑल क्वालिटीज डू यू नीड टू फ्लाई अ काइट. तो कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए काइट को फ्लाई करने के लिए? सो लिस्ट देम बिलो. सो यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ. इट्स योर होमवर्क चिल्ड्रन. लिस्ट ऑल द क्वालिटीज दैट अ काइट नीड टू फ्लाई. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर चिल्ड्रन. दिस आई होप यू हैव लर्न मेनी न्यू थिंग्स इन दिस चैप्टर. एंड आई विल बी मीटिंग यू सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.